हेलो डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर वीरेंद्र बायोलॉजी चैनल को समस्त को स्वागत। पिले माने तो माने जानी सारी चो सीएचसी तार गोटे नुआ लेटर दे सारी। यस पिले माने आज एटा अपडेटेड लेटर 5 तारीख रे रिलीज है। एटा 5 नवंबर 2024 रे लेटरटा आसी माने आज संध्या बेल को आसी, किंतु डेट पड़ी पिले आगु जेहेतु मझे छुट्टी फुटी से रिलीज करते सैट्रे आज देखते। तो कौन पर डिटेल पिले चिठीटा को शेष जाए देख पूरा डिटेल रे बुझे। ये तुम इंटरनल एग्जामिनेशन पाए, इंटरनल एग्जामिनेशन पाए तुमने आर्ट्स हो साइंस हो कि कॉमर्स हो सब सब्जेक्ट रे कौन कौन आम प्रिपेरेशन करके जीवाक पड़ो इंटरनल एग्जामिनेशन को। पिले देख ये लिखाई आमर टू द प्रिंसिपल हेडमास्टर जहाँ जहाँ जो कॉलेज रे जी थे चिठीटा आसी, दिस इज फॉर योर काइंड इनफॉर्मेशन दैट द इंटरनल एग्जामिनेशन एंड प्रोजेक्ट एग्जामिनेशन। पहले कॉमर्स पिला प्रोजेक्ट थाए आउ साइंस पिला आर्ट्स पिला इंटरनल थाए। इंटरनल एंड प्रोजेक्ट एग्जामिनेशन ऑफ आनुआल एचएससी 2025 फॉर डिफरेंट नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आर्ट्स साइंस कॉमर्स कॉरेस्पोंडेंस कोर्स वोकेशनल स्ट्रीम आर शेड्यूल टू बी हेल्ड फ्रॉम 23 पहले यहाँ तो पूर्व लेटर रे भी दे थे से 23 डिसेंबर रु 30 डिसेंबर भितर हम, किंतु कौन कौन आम गाइडलाइन रही एग्जामिनेशन केमी हम से आम देखा। पहले देख कौन कौन गाइडलाइन रही, फर्स्ट पॉइंट कहूँ से प्लीज कंप्लीट द इंटरनल एग्जामिनेशन एंड प्रोजेक्ट एग्जामिनेशन बिटवीन एतिक पूरा माने स्ट्रिक्ट लेटर पिले पलि आसी। कौन सी कॉलेज 23 रु आउ लेट रे आरंभ कर पारे कि 30 पर आउ घुंचे पारे परीक्षा को 30 भितर सारे पड़ो। ओके, नोटिफाई द शेड्यूल ऑफ द कॉलेज वेल अहेड ऑफ द कैंडिडेट्स एंड अदर कंसर्न। नोटिफाई द शेड्यूल ऑफ द कॉलेज पिले शेड्यूल ऑफ द कॉलेज माने कॉलेज तार एग्जामिनेशन शेड्यूल को डेट रे कौन हम से कैंडिडेट मान को बहुत आगु जनवाक पड़ो। तो मैंने 23 तारीख में एग्जामिनेशन अच्छे पे डिसेंबर 23 रे तुमने डिसेंबर 1 रु कि नवंबर लास्ट आड़ मैसे आगु तुमको जनवाक पड़ो मिनिमम ना 15 दिन। दि क्वेश्चन पेपर फॉर इंटरनल असेसमेंट आर टू बी सेट बाय द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर पिले रेस्पेक्टिव मनकर हिस्ट्री तुम इंटरनाल है कि इकोनोमिक्स कि फिजिक्स जो टीचर अच्छा से ही टीचर तार इंटरनाल क्वेश्चन बनइबे यहाँ बोर्ड बनइबो ना तो से बहुत इजी हम यहाँ तो से पे माने तो माने टीचर मान सहित टे कोऑपरेशन कर टीचर मान को डिसरेस्पेक्ट करनी। ओके, खराब व्यवहार करनी कारण हाथ में इंटरनाल मार्क रोचे। ओके, स्कूल एंड स्क्रिप्ट आर टू बी इवालुएटेड आट द हाई स्कूल लेवल हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल बाय द सब्जेक्ट टीचर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। पहले कौन पर लिखे यहाँ माने जी क्वेश्चन बनइबे जो टीचर पढ़ाऊ से टीचर क्वेश्चन बनइबे से ही खाता देखिए तो से बहुत इंपोर्टेंट हो गला पे केवे टीचर मानक असम्मान कर। ओके, कौन से खराब कथ कह ना मार्क कटिज। प्री एग्जामिनेशन प्रिपेरेशन पे प्री एग्जामिनेशन मान एग्जामिनेशन पूर्व कौन कर स्टेप्स मस्ट बी टेकन टू नोटिफाई ग्रुप्स आज पर इंस्ट्रक्शन मिनिमम कैंडिडेट इन ए ग्रुप मस्ट बी 24 इन केस ऑफ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन पे जो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन टा तुम अच्छी प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन से कहते ग्रुप ग्रुप हो ए ग्रुप गोटे हम बी ग्रुप सी ग्रुप डी ग्रुप एमती हम आ मिनिमम गोटे ग्रुप रे 24 जन रही 24 कौच 24 स्टूडेंट रही मनकर गोटे सेक्शन रे पिले अच्छा आमर 96 पिला ताले सेठी 4टा सेक्शन हम ए बी सी डी 24 24 24। ओके, तो गोटे ग्रुप रे 100 200 एमती पिला रही। इंटरनल असेसमेंट एग्जामिनेशन और प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन प्रोग्राम इन रेस्पेक्ट ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल मस्ट बी सच ए मैनर दैट स्टूडेंट विल नॉट हैव टू सब्जेक्ट ऑन द सेम डे पहले यहाँ गोटे खुशी कथा कारण जो तुम इंटरनाल एग्जामिनेशन हम गोटे दिन में केवे 2टा सब्जेक्ट रही कौन से कॉलेज रखिपारे ना एमती कराव जमी गोटे दिन में गोटे सब्जेक्ट रोथ दे आर मस्ट बी सफिसीयंट आरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फास्ट एड जदि कहार मुंड बुलेदा फास्ट एड थी दरकार मेडिसिन थी दरकार वाटर थी दरकार। ओके, सीसीटीवी पहले हली पार्वनी सीसीटीवी पूरा कहीदेन मैंडेटोरी सीसीटीवी तापर कही दे हायर सेकेंडरी स्कूल विल सप्लाई क्वेश्चन पेपर एंड आंसर स्क्रिप्ट टू द स्टूडेंट्स कंटेनिंग 4 पेज सीट फॉर इंटरनल असेसमेंट एग्जामिनेशन एंड 6 पेज फॉर प्रोजेक्ट। बुझिपाल पिले एटा कौन कहला दि हायर सेकेंडरी स्कूल जो स्कूल तुम पढ़ुच बा जो कॉलेज पढ़ुच विल सप्लाई क्वेश्चन पेपर एंड आंसर स्क्रिप्ट। आंसर स्क्रिप्ट मैंने तुमको आंसर देदेवनि पिले आंसर खाता देवे जो थे तुम लिख। ओके, तो क्वेश्चन पेपर देवे सहित आंसर स्क्रिप्ट देवे टू द स्टूडेंट्स कंटेनिंग 4 पेजेस मैंने 4 पेज मैंने 2टा सीट थी आग पछ हो मिसले 4 हो फर इंटरनल असेसमेंट एग्जाम एंड 6 पेज फर प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट जो मैं अच्छी कमर्स पिलांर 6टा पेज दिज्व एंड प्रोजेक्ट वर्क शुड बी हैंड रिटेन बाय द स्टूडेंट पे प्रोजेक्ट गुड़ा कमर्स पिलांर हैंड रिटेन हाथ में लिखा हे विदिन 6 पेजेस A4 साइज पेपर जो प्रिंट पेपर तुम पे तुम कंप्यूटर काढ़ुच से पेपर में लिखा। ओके, एंड ए टॉपिक फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस असाइन्ड बाय द टीचर तुम टीचर जो सब्जेक्टा देते एवं आसवे पे ड्यूरिंग एग्जामिनेशन यहाँ रही प्री एग्जामिनेशन मैंने एग्जामिनेशन पूर्व तुम ये जिन मेंटेन कर पे
ओके तापरे से कुछ ड्यूरिंग एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स मस्ट हैव वैलिड एडमिट कार्ड आर टू बी अलाउड टू एंटर इन द एग्जामिनेशन बिफोर 15 मिनट्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन ओनली बोले जितेबाला तुम ये प्रोजेक्ट कि इंटरनल एग्जामिनेशन हम तुमको गोटे एडमिट कार्ड कलेज दब आ तुमको 15 मिनट पूर्व ही अलाउ कर एग्जामिनेशन हल को भितर को पशापी ओके अध घंटा पूर्व तुम कलेज सेन्टर को जी बोले कलेज टी पलब आ 15 मिनट पूर्व मानते तुम सीट बसा पड़ो सीट रे जाकि एग्जामिनेशन हॉल ओके बिफोर 15 मिनट स्टूडेंट्स हैविंग अराइविंग फॉर एग्जामिनेशन लेट मे बी अलाउड टू सीट एग्जामिनेशन मैक्सिमम बाय हाफ एन आवर बोले कहला जदि कौन स्टूडेंटर किसी असुविधा अच्छी बाटे किसी असुविधा होगा भगवान न करूँ सेमती कहार जदि एग्जामिनेशन पे हो स्टार्ट मैक्सिमम एग्जामिनेशन स्टार्ट हमारा 30 मिनिट पर्यंत से जापर कि 30 मिनिट रु अधिक हेल्ला आज से एग्जामिनेशन हल को पशिपर ना ओके तापर नेक्स्ट कौन स्टूडेंट सुड सीट इन देयर रेस्पेक्टिव सीट्स मेंटेनिंग प्रॉपर डिस्टेंस एट रिक्वायर्ड पहले डिस्टेंस तो मेंटेन हुए सब कॉलेज रे जानी एग्जामिनेशन बेले कैंडिडेट्स टू पुट देयर सिग्नेचर अगेंस्ट देयर रोल नंबर इन द अटेंडेंस सीट पहले अटेंडेंस सीट गोटे दिया रोल नंबर तुम मार आउ सिग्नेचर कर सब्जेक्ट टीचर साइन ऑन द डेजिग्नेटेड प्लेस इन द अटेंडेंस सीट अटेंडेंस सीट रे टीचर मध्य साइन करेंगे तो यहाँ तो रहा तापर एट द राइट हैंड ऑफ कॉर्नर ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट पहले जो तुम आंसर स्क्रिप्ट किंवा प्रोजेक्ट दिया द कैंडिडेट शुड बी राइट पेपर राइट द पेपर रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड HSC 25 व्हिच मस्ट बी वेरीफाइड बाय द इनविलेज लेटर पहले तुम एग्जामिनेशन रे जे इनविलेज लेटर पढ़ी जो टीचर पढ़ी राइट हैंड ऑफ द टॉप कॉर्नर से कहीदेवे तुम कौन कौन लिखवार अच्छे तो कैंडिडेट शुड राइट द पेपर को पेपर तुम दौ फिजिक्स केमिस्ट्री कि हिस्ट्री रोल नंबर लिखो रजिस्ट्रेशन नंबर लिख ओके लिख HSC आनुआल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 बोली लिख तो सेठी से कहे आउ थे पिले आउ जी मैंने आगु जाना चाहूँ ये स्क्रीनशॉट नहीं जाओ कारण यहाँ तुम CHSC लेटर ये पॉइंटा मन रखियो पिले पेपर ना लिख कौ सब्जेक्ट तुम एग्जामिनेशन दौ रोल नंबर लिख रजिस्ट्रेशन नंबर लिख यहाँ लिख कौटी जो खाता तुमको दिखाई तार राइट कर्नर में यही किना ओके सेठी पिले कहे टीचर तुम व्यस्त हवा दरकार ना पोस्ट एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन सरलापर कौन हम तुमको पहले मार्किंग मस्ट बी डन इन द आंसर स्क्रिप्ट जो आंसर स्क्रिप्ट तुम लिखिक दे थो पेपर में से तुम आंसर इवाल्युएसन हम केमी इवाल्युएसन हम रेड बॉल पॉइंट पेन तो स्ट्रिक्ट लिखाई कौन से टीचर जेल पेन यूज करेंगे ना इफ देर इज एनी बीट और सब क्वेश्चन ऑफ अ मेन क्वेश्चन देन इच क्वेश्चन इज टू बी गिवेन मार्क एंड फाइनाली ऑल विल बी समड अप एट द एंड एंड लास्ट सब क्वेश्चन अटेम्प्टेड एंड टोटल मार्क आंसर टू द मेन क्वेश्चन इज टू बी मेंशन हियर पहले कौन से कहे जदि कौन क्वेश्चन रे बीट अच्छे एमती एक नंबर रे तीनटा बीट दे ए बी सी बीट बीट करके जो लिखी तो सब बीट रो क्वेश्चन रो आंसर दिया जिवो से जदि लिखि थिवो एक मार्क एक बीट रे दुई मार्क दि बीट रे तीन मार्क एमती तापर लास्ट गुड़ाक सब एक मार्क दि मार्क तीन मार्क सब मिसे कि टोटल 6 मार्क दिया जिवो तो ए पॉइंटा सेटा कहू तापर रेकॉर्डिंग ऑफ मार्क्स प्लस CHSC विल नॉट प्रोवाइड मार्क फॉइल और नॉन स्टैंडर्ड मार्क फॉइल फॉर द पर्पज ओके CHSC प्रोवाइड करिवोनी मार्क फॉइल ओके आफ्टर द इंटरनल असेसमेंट एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट इवाल्युएशन इज ओवर द सब्जेक्ट टीचर आर रिक्वायर्ड टू इवाल्युएट द आंसर स्क्रिप्ट परफेक्टली ऑन द सेम डे एंड प्रिपेयर द रजिस्टर फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ मार्क्स एंड रोल नंबर वाइज पहले रोल नंबर वाइज सेम डे रे से कहे सेम डे रे टीचर आमर इवाल्युएशन करेंगे पेपर रजिस्टर आमर प्रिपेयर द रजिस्टर फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ द मार्क्स ऑफ द रोल नंबर वाइज मार्क देवे देन द DO इज रिक्वायर्ड टू एंटर द मार्क थ्रू ऑनलाइन आफ्टर SMS ई स्पेस इज ओपेन्ड तो DO जे थे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सी एंटर करेंगे मार्क ऑनलाइन रे इन SAMS आप रे ओके जानते पे सांस जो आपटा आम अच्छी तापर नेक्स्ट कौन द टैबुलेशन रजिस्टर ऑफ इंटरनल असेसमेंट मार्क्स एंड प्रोजेक्ट इवाल्युएशन एंड आंसर स्क्रिप्ट टू बी प्रिजर्व फॉर 6 मंथ फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट रीचेकिंग रीएडिशन एनुअल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 एट ए हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल प्लस से कौन कही टैबुलेशन रजिस्टर ऑफ इंटरनल असेसमेंट जो इंटरनल असेसमेंट रे तुम्हारा मार्क दिखाई से 6 मास पर्यंत रखिए से कहीं 6 मास पर्यंत पे रोक कारण तुम बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छे आगे बोर्ड एग्जामिनेशन किसी मार्क चेंज हो पाए इंटरनाल कि कंप्लेन करें मोर मार्क बढ़ो कि कमी से 6 मास पर्यंत 6 मंथ पर्यंत तुम रे तुम रिचेकिंग करके मार्क बढ़े पार कमे पार तो कमे कि कमेबे पे समस्ते बढ़ेगा चाहिए तो 7 नंबर कौन कही पूरा बोल्ड कर दी पे इंटरनाल असेसमेंट एग्जामिनेशन एंड प्रोजेक्ट एग्जामिनेशन बिल यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आर टू बी सबमिटेड 30 डेज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एनुअल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 विथ
टेकिंग इन टू द अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस इनक्यूर्ड बाय द हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल इन द सेंटर कंटिजेंट बिल आफ्टर द एटा पिले स्टूडेंट मानक ना एटा टीचर मानक पाई माने एग्जामिनेशन सरला परे से माने जहां एग्जामिनेशन खर्च होइतो सेति पाई अप्लाई करिवे ओके हायर अथॉरिटी को तापर इंपोर्टेंट नोट कॉपी ऑफ द स्टूडेंट अटेंडेंस शीट एंड ए मेमो फॉर्म मस्ट बी प्रिजर्व्ड बाय द हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर फ्यूचर एटा स्कूल पाई पिले बेसी एटा दरकार नै आमे मेन को पळाय आसीबा को दिन कोन एग्जामिनेशन हबो को दिन नो पिले दिनटा तमरो को दिन एग्जामिनेशन हबो 23 रु 30 भितरे सेटा तमरो कॉलेज प्रोवाइड करिवो को दिन कोन एग्जामिनेशन रहबो ड्यूरेशन पिले मन रख ड्यूरेशन होची आमरो आमरो पिले नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो माने आर्ट्स ऑफ साइंस आर्ट्स साइंस पिला मन करो तमरो प्रैक्टिकल आमरो अछि इंटरनल आ प्रोजेक्टर होची पिले कॉमर्स पिला मन पई फर्स्ट हम देखि दो साइंस आर्ट्स आ कॉमर्स तीनटा पई ऑल नॉन प्रैक्टिकल नॉन प्रैक्टिकल नॉन प्रैक्टिकल नॉन प्रोजेक्ट करस्पोंडेंस कोर्स किछटा कॉमर्स पिलांगर पिले नॉन प्रोजेक्ट कोर्स जुगडा अछि ना ऑल नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नॉन प्रोजेक्ट सब्जेक्ट जुगडा सब नॉन प्रैक्टिकल नॉन प्रोजेक्ट सब्जेक्ट ता पई पिले इंटरनल हबो जानिचो इंटरनल प्रैक्टिकल नथिबो कि प्रोजेक्ट नथिबो इंटरनल केते मार्क रहबो ड्यूरेशन केते पिले 45 मिनिट 45 मिनिट 20 मार्क एटा समस्त आगरु जानिचो 20 मार्क रो इंटरनल एग्जामिनेशन हबो कारण टोटल थिला 100 मार्क पिले 100 मार्क से भांगी कर दिचे 80 बोर्ड हबो 20 इंटरनल तो समस्त जानिचो 45 मिनिट पई 20 मार्क रो एग्जामिनेशन दबाक पडिबो तापर से कुछ पिले वोकेशनल पिला मन पई सेमती ऑल नॉन प्रैक्टिकल जो थरे प्रैक्टिकल नहीं कि प्रोजेक्ट नहीं तांकर मध्ये इंटरनल केते पिले 10 मार्क रही पारे नले 20 मार्क काई कि 10 लिखला पिले वोकेशनल पिला मन करो गुटे अछि 50 मार्क के सब्जेक्ट 50 मार्क रे इंटरनल 10 मार्क हुए 100 मार्क थिले सेथरे 20 मार्क हुए इंटरनल आउ 80 मार्क हुए बोर्ड सेंति 50 रे 10 मार्क हुए इंटरनल 40 मार्क हुए बोर्ड सेंति वर्तमान प्रोजेक्ट कहू छी पिले प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन भाइबा वॉइस फॉर स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम वोकेशनल स्ट्रीम एंड कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंटिंग एंड बीएसएम पई क्लियर बिजनेस स्टडी मैनेजमेंट तो एथिरे तमरो 2 घंटा पिले एग्जाम हबो कॉमर्स पिला मन पई प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन जो थरे भाइबा वॉइस थिबो और वोकेशनल पिला मन पई एटा 20 मार्क रहब तो एथि सहित आजिर पिले इम्पोर्टेंट नोटिस को कंप्लीट कली जदि चैनल रे के नुआ छ पिले चैनल को सब्सक्राइब करी संग मन सहित शेयर कर दियो कारण एग्जामिनेशन रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन हम चैनल रे आगा से थैंक्स फॉर वाचिंग ऑल द बेस्ट फॉर योर